नमस्कार, आप देख रहे हैं SRSSC को यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश सिंह रावत आपके साथ। बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती 2019 को लेकर के एक बड़ी खबर है, सुनहरा मौका है, क्योंकि पारा मेडिकल में बम्पर बहाली होने वाला है। जी हां, बिहार स्वास्थ्य विभाग में भर्ती को लेकर के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप बिहार एजुकेशन से जुड़ा कोई भी खबर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगेगी तो अप्रिसिएट करने के लिए टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो हमारे चैनल का काफ़ी ज़्यादा मदद हो पाएगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दिए गए लिंक से आप इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। मात्र 8.5 MB का ये एप्लीकेशन है, तो आप इसको डाउनलोड करके हमारे चैनल के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो अप्रिसिएट करने के लिए आप इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां पे जाकर के चेक कीजिएगा। ओके, पूरी बारीकी से आपको बताएंगे जो बहाली आया उसके लिए, तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पारा मेडिकल में होगी बम्पर बहाली, आपको बता देना चाहते हैं। स्वास्थ्य विभाग में पारा मेडिकल कर्मियों की बम्पर नियुक्ति जल्द होगी। विभाग ने मेडिकल कॉलेज व अस्पताल एवं अन्य सरकारी अस्पतालों में नियमित नियुक्ति का निर्णय के लिए बड़ी अपडेट दिया है, उन छात्रों के लिए दिया है जो लगातार जॉब के लिए परेशान होते हैं। तो बहाली बम्पर है, इसको आपको पूरा डिटेल्स में समझाएंगे। तो आपको उसके डिटेल में समझाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे दिखाते हैं पेपर का आर्टिकल। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप इस पेपर के आर्टिकल का जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बात, पारा मेडिकल कर्मियों की बम्पर नियुक्ति जल्द। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ इसका अपडेट है। तो पूरा डिटेल्स के लिए इस पूरे पेपर को पढ़ते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में पारा मेडिकल कर्मियों की बम्पर नियुक्ति जल्द होगी। विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज व सरकारी अस्पताल एवं अन्य सरकारी अस्पतालों में पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सूत्रों की माने तो 4000 से अधिक पदों पर पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति होनी है। संभावना है कि राज्य में 11 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के करीब 11861 सरकारी अस्पताल हैं जिनमें यहां पे आपको भर्ती लिया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आप सभी के लिए क्लियरली देख सकते हैं। इन अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी है। जहाँ चिकित्सक उपलब्ध हैं तो पारा मेडिकल कर्मियों की कमी है, इसके कारण से मरीजों का बेहतर इलाज नहीं हो पाता है। तो इसको देखते हुए एक बम्पर बहाली लिया जाएगा। तो आप सभी बेसब्री से अगर इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बम्पर बहाली आने वाला है पारा मेडिकल का। और कई बार शल्य स्कच सहायक की भी कमी महसूस की गई है, यानी कि बम्पर बहाली रहेगा पारा मेडिकल को लिए। तो आप अभी से ही कमर कस लीजिए, आप अभी से ही मैदान में आने के लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि ये बहाली बहुत जल्द लाया जाएगा। आपको और इसका डिटेल्स समझाते हैं। तो क्या कुछ लिखा गया, ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था की पटरी पर लाने के लिए दिशा में सरकार जुटी हुई है। और आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, आने वाले चुनाव को लेकर के भी कई बहालियां आप सभी के लिए आएगी, तो आप पूरा तैयारी कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बेहतर मौका है। तो चुनाव को लेकर भी कई बहाली आएगा, तो आपको तैयारी करना है, अपना पूरा प्रिपरेशन करना है। तो ये बम्पर बहाली आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग को उसको पटरी पर लाने के लिए इस बहाली को लाया जा रहा है। जी हाँ, एक बड़ी खबर आप सभी के लिए, बम्पर बहाली होगा पारा मेडिकल कर्मियों का। इसका पूरा डिटेल्स आपको बताते हैं। तो क्या कुछ है यहाँ पे पढ़ के बताते हैं फिर से। इनमें प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी शल्य लग सहायक सहित अन्य पद भी शामिल है जो आपका बहाली आएगा। कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग से नियुक्ति कराई जाएगी। तो आप देख सकते हैं, कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा इस बहाली को सेलेक्ट किया जाएगा। जो छात्र रहेंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। तो सभी मेडिकल कॉलेज एवं जिलों में से सरकारी अस्पतालों में पारा मेडिकल कर्मियों का ब्यौरा उपलब्ध होते ही नियमित नियुक्ति की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यानी कि जितने भी सरकारी अस्पताल है या फिर मेडिकल कॉलेज है उनमें जितने पद खाली है उसका एक डाटा बनाने के साथ, जैसे ही इनके पास पूरा डिटेल्स आ जाएगा उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो को ये लोग अपना यहाँ पे सब कुछ देख करके डायरेक्टली आप सभी के लिए ये बहाली का यहाँ पे जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट कर देंगे। साफ साफ यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हैं, संजय कुमार इनका नाम है, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार। तो आप देख सकते हैं 10 तरह के प्रमुख पदों पर होगी नियुक्ति। आपको बारीकी से बताते हैं, विभाग द्वारा 10 प्रमुख पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें पहला रहेगा प्रयोगशाला
प्रौद्योगिक, दूसरा रहेगा शल्य कक्ष सहायक, तीसरा रहेगा ईसीजी टेक्नीशियन, उसके बाद चौथा रहेगा आपका बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उसके बाद आपका पांचवा जो पद रहेगा वो रहेगा स्वच्छता निरीक्षकता यानी कि साफ सफाई में आपका रहेगा, छठा रहेगा लाइब्रेरियन सहायक लाइब्रेरियन रहेगा सातवां पद, आठवां पद रहेगा आपका परिधापक और नौवां पद रहेगा लिपिक और दसवां पद रहेगा अशुलिपिक के पद शामिल रहेंगे। आपको बता रहे हैं 10 तरह के पद है जो आपका बहाली में आपका रहेगा, तो आप अपनी एबिलिटी आप इस पद के अनुसार देख सकते हैं। उसके साथ ही लिखा गया विभाग ने निर्देश दिया है कि इन पदों पर स्वीकृति बल, कार्यरत बल एवं रिक्तियों का आरक्षणवार रोस्टर, जो रोस्टर लाया गया था 10% का, उसको इसके लिए भी यहाँ पे लिया गया क्लियरेंस कराना है। अगर इन पदों पर पदवार एवं आरक्षण वार रोस्टर क्लियरेंस भी नहीं है तब भी विभाग ने इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द देने के लिए निर्देश दिया है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बिहार में आपके लिए बहाली आने वाला है और देख सकते हैं काफ़ी बड़ी खबर आप सभी के लिए। पूरा डिटेल्स मैंने आपको समझने का पूरा कोशिश किया है। पारामेडिकल की बम्पर बहाली है तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसका पल पल का खबर आपको प्रोवाइड कराएंगे। पारामेडिकल में जो भर्ती होगा उसको लेकर के जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरह का यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन पारामेडिकल को लेकर के आया है, तो इसके लिए पूरा डिटेल्स में आपको वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए, लगातार आपके लिए यहाँ पर अब प्रोवाइड कराया जाएगा काफ़ी बेहतरीन चीज़ें जो आपके लिए मददगार साबित होगा। तो पारामेडिकल की बम्पर बहाली आई आपका, आपके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बम्पर नियुक्ति होगा जल्द पैरामेडिकल में। और उसके बाद अगर आप बिहार विधानसभा सचिवालय का जो भर्ती आया था उसको अगर आप अप्लाई करना चाह रहे थे, क्योंकि इसका अप्लाई आज से ही यानी कि 19 अगस्त से ही रखी गई थी, लेकिन इसको अब यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया, इसको बढ़ा करके अब 22 अगस्त से कर दिया गया। इसको लेकर के हम लोग जल्द ही वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे पूरा डिटेल्स में। बिहार विधानसभा परिषद का लिए आवेदन जो होगा वो आपका 22 से होगा और इसका पहले का जो तिथि था वो था आपका 19, तो इसीलिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, पूरा डिटेल्स आपको दिया गया है, जो भी आपका पद आया उसको लेकर के पूरा डिटेल्स दे दिया गया। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं विभाग ने इन पदों की जानकारी प्राप्त कर कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की अनुशंसा कर दी है, यानी कि जितने पद खाली हुए हैं अप्रॉक्स पूरा डाटा अभी इनके पास नहीं आया, लेकिन जो भी इनके पास सूचना है उसको लेकर के इन्होंने बिहार तकनीकी सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग को इन्होंने अनुशंसा कर दिया है कि ऐसे ऐसे बात है, यहाँ पे इतने बहाली खाली है, इसको आप लोगों को चयन करवाना पड़ेगा। तो ये था पूरा डिटेल्स में जानकारी। और रही गई बात कि कौन सारे स्टूडेंट इसको अप्लाई करेंगे और कौन नहीं करेंगे, तो आपको उसके लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि उसमें आपको बताएंगे कि इसकी एज एबिलिटी क्या होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, क्या इसका पैटर्न रहेगा, कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, उसके लिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले वीडियो के लिए, और अगर आप चाहते हैं और भी जल्दी प्राप्त करना तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिएगा, यहाँ पे आप सभी के लिए पोस्ट कर देंगे थोड़ी देर के बाद। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट जॉब के नीचे आपको ये सेक्शन दिख जाएगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा जब आप इस वेबसाइट पर आएँ तो ये जो ऐड चल रहा है इस ऐड पे आप क्लिक करके आप अपना अगर बेनिफिशियल कुछ आपके लिए होगा तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं गूगल से मोनेटाइज चैनल वेबसाइट है, मतलब कोई फेक वेबसाइट नहीं है, गूगल ने इसको अप्रूव किया है, तो आपको यहाँ पर सही एंड सटीक जानकारी प्राप्त होगा। तो आप यहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अगर आएंगे नया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये है हमारा वेबसाइट ऑफिशियली, आप क्लियरली देख सकते हैं आपको इस तरह से दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो बिहार में बम्पर बहाली है, आपको तैयार हो जाना है। पारामेडिकल कर्मियों की बम्पर बहाली होगी जल्द से जल्द, तो अभी से ही आप तैयार हो जाइए। एक बड़ी खबर आप सभी के लिए, उन बिहार के छात्रों के लिए जो लंबे समय से इंतजार करते रहते हैं जॉब को लेकर के, तो यहाँ पे एक बड़ी खबर आप सभी के लिए कि पारामेडिकल में जल्द से जल्द बहाली हो जाएगा। तो पूरा डिटेल्स मैंने आपको बताया इस वीडियो में, क्या कुछ अपडेट था सब कुछ मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अप्रिसिएट करने के लिए टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जहां से आप बहुत ही आसानी से इसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, काफ़ी सारे लोगों ने हेल्प किया डाउनलोड करने के,
बाद तो आप भी हेल्प कर सकते हैं डाउनलोड करके। तो ध्यान रखिएगा, उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आपको डाउनलोड करना है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिंक से ही आपको डाउनलोड करना है, तभी हमारे चैनल का हेल्प हो पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा, आप इतना ज़रूर कीजिएगा। बेनिफिशियल एप्लीकेशन भी है, इसमें आप घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। तो अप्रिसिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।